everyone. In this video, I am going to discuss about DMC registration step by step. So for that, we need to open the website which is Delhi Medical Council. यहाँ पे क्या करना है? Then we need to go to online registration. तो online registration के option में जाने के बाद क्या है? Important point क्या चीज़ है? ये जो document verification का है, appointment के लिए क्या करना है? Email करना है, name, mobile number और case ID. किस पे ईमेल करना है? यहाँ पे ये मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये कोविड की वजह से आया है. कोविड से पहले ये डीएमसी को मतलब मेल करने की ज़रूरत नहीं थी, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली जा सकते थे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट क्या करना है फिर? यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि सेकंड नंबर पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट. यहाँ पे क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है 8000 है. पहले वो 5000 था या 5100 था अप्रॉक्स, अभी जो है 8000. अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल भी आए जिसमें सबको ये इशू आ रहा था कि एरर आ जा रहा है. तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके फ़ाइल होंगे स्कैन करने के बाद, उसको आपको JPEG पिक्चर में रखना है. फ़ाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए JPEG होना चाहिए. ये नहीं कि PDF फाइल आप अपलोड कर रहे हैं तो फिर वो एरर आ जाएगा और फिर इवन वो अपलोड होगा भी नहीं, ठीक है ना? तो JPEG ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. पूरे फाइल, जितने भी फाइल आपके पास, अगर मार्कशीट है आपके पास, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आई मीन फ्रॉम कॉलेज से, और या आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, सब का सब जो है JPEG में ही जाएगा. उसके अलावा कोई अपलोड नहीं होगा. और एक चीज़ मैं और इसमें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको, कैसे ये करना है. तो यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है कि MS पेंट में करना है और कैसे नहीं करना है, सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है. इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना है तो क्या कर सकते हैं आप, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है ये वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करना, ठीक है? इस पर आप क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आ रहा है हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट. तो इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे पूरा इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, कैसे कैसे रिसाइज करना सिग्नेचर को इसको, ठीक है ना? इसको आप रीड कर सकते हैं आराम से. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखने का. उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ. यहाँ पे भी फिर से एक इशू, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी इशू आया था. क्या इशू आया था मैं बता देता हूँ एक्सप्लेन करके. यहाँ पे कुछ लोग जो है, एक पहला ऑप्शन तो ये है कि प्रोविजनल ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम दिल्ली है, ठीक है? उसके बाद प्रोविजनल ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली है. उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये वाला, प्रोविजनल क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन नेशनल हैविंग क्वालिफाइड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स. सो ये वाला हम लोगों को क्लिक करना है, इसके अलावा कहीं पे भी क्लिक कर नहीं करना है अगर आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं. उसी तरीके से अगर आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो नीचे ऑप्शन आएगा, बट हम लोग अभी प्रोविजनल के लिए करते हैं जनरली, तो हम लोग के लिए तो यही है जो इंटर्नशिप अभी शुरू करने जा रहे हैं. तो मैं जब प्रोविजनल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है, और प्रोविजनल ये वाला ऑप्शन मतलब थर्ड नंबर का जो है, इसमें मैं क्लिक करूँगा. तो फिर इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी फिर से एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था इस वाले ऑप्शन पे भी, मैं इसके बारे में डिफाइन कर देता हूँ. इसमें क्या था प्रॉब्लम लोगों को जो हो रहा था, एक तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. इसमें यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो 2013 बैच के हैं उनके लिए नहीं है ये, और उसके बारे में नोटिफिकेशन भी था 2013 बैच के हैं, ठीक है? इसके बारे में आप देख लेना. और इसके बारे में नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट कॉपी, ये इंपॉर्टेंट है. ये आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पासिंग है. उसके बाद 10th आ गया, उसके बाद फिर जाके 11th है, फिर 12th है. 11th वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको. 11th ज़रूरी है क्योंकि जब आप फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो 11th वाला वो मार्कशीट मांगेगा. अब आती बात 12th पे, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा मुझसे पासिंग और DD के बारे में. मैं इसके बारे में डिफाइन कर देता हूँ आपको, इसके बारे में कैसे करना है आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल पे जाऊँगा, ऐसी रिज़ल्ट वेरीफिकेशन, इट मीन्स कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ 12th क्लास का जानना है तो मैं 12th क्लास पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर डालना और आपका रिजल्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. इट मीन्स कि आपको DD बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो DD सिर्फ उसके लिए है, फॉर दोज स्टूडेंट्स उसके जिसका वेरीफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए जो कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था. उसके बाद आता है आपके पास
क्या चीज़ है। हाँ, उसके बाद क्या प्रोसीड मैं करूँगा, प्रोसीड करूँगा तो फिर ये आपको फिल करना, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जस्ट लाइक क्या है ना, साइन अप पेज है ये। आप इसमें जैसे सब चीज़ डालेंगे तो आप सही से डालना। और ये जो मेलिंग होता है और परमानेंट होता है, एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है कि मेलिंग एड्रेस जो होता है जिसमें आपका मेल आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर डीएमसी वाले कुछ आपको भेज रहे हैं, वैसा कुछ भेजते नहीं है लेकिन फ्यूचर में इनकेस अगर मेल आता है तो वो आपको इस पे आएगा। परमानेंट एड्रेस क्या होगा कि आपका परमानेंट होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट है, पहला तो ये है और दूसरा ये है। तो ये दोनों में क्या चीज़ है कि आपको वो लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक लिखना है, ये नहीं लिखना है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पास लिख दिया था कि क्वालिफ़िकेशन क्या है तो पास हो गया, नहीं। आपको क्वालिफ़िकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल 10th क्लास है तो मैट्रिक लिखना है, और अगर 12th क्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल तो 10+2, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो आप इंटरमीडिएट यहाँ पे लिख, इंटरमीडिएट आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप मैट्रिक लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट उसी तरीके से ये पासिंग ईयर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले ऑप्शन में पासिंग ईयर के बाद जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर क्या है ना कि आपके डिप्लोमा जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन होता है जो रोल नंबर है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है वो 2, 3, 4, 6, 5 ऐसा करके 5 डिजिट 4 डिजिट, तो वो आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद फिर ये वाला एक ऑप्शन है जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसमें क्या डालना है, तो इसमें क्या है ना कि एम्स आएगा, इसमें आपका बहुत सारा अलग अलग मतलब वो आएंगे, हॉस्पिटल्स के नाम आएंगे, जो कि इवन हम लोगों के इंटर्नशिप के लिए FM के लिए एग्जिस्ट करता भी नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑप्शन है। कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन है, कोई भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, इवन AMC सेलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं, आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, तो मैं इसको सोचा कि डिफाइन कर देता हूँ। के बाद क्या, इसको जब प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद जो प्रोसीड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक मेल जाएगा जिसमें आपके पास एक आईडी जाएगा, आईडी आपका ईमेल ही होगा, उसके बाद एक पासवर्ड आपको पर्टिकुलर जाएगा, वो मेल आपको किया जाएगा। उस मेल के थ्रू आप कभी भी इस वाले ऑप्शन से लॉगिन ऑप्शन, इसको आप क्लिक करके मतलब आप जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ मिस किया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, इसके बाद एक्चुअली में डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन आए लॉगिन करने के बाद, फॉर एग्जांपल व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, पेमेंट रीट्राई इफ़ यू हैवंट डन दैट टाइम, और डॉक्यूमेंट अपलोड रीट्राई, जो कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट अगर नहीं होता है अपलोड तो वो यहाँ पर लॉगिन करके फिर से कर सकते हैं। अगर लॉगिन अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये लॉगिन है या नहीं है, तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यू कैन ईजिली वेरीफाई, JPEG फाइल होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि डिग्री डिप्लोमा जो ये वाला 8 नंबर ऑप्शन है, तो और मार्कशीट एक साथ कैसे इतना सारा कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री जो हम लोगों का होता है, सॉरी मार्कशीट जो हम लोगों का होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूक्रेन से ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है, तो मार्कशीट आपको क्या करना, जो इम्पोर्टेंट जो लगता है एक पेज वहाँ से उठा लेना, डिग्री का एक पॉइंट यहाँ से उठा लेना, मतलब एक पेज डिग्री डिप्लोमा का, एक पेज मार्कशीट का, एक या दो पेज, मतलब एक फाइल, एक JPEG में 2-3 को आप कंपाइल कर देना, गूगल में आप सर्च करना, बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप सबको मर्ज कर सकते हैं, 2-3 फाइल को मर्ज कर सकते हैं, तो मर्ज करके 3 या 4 ऐसा होना चाहिए कि विजिबल हो, वो आप करना, कोई ज़रूरत नहीं है 10 पेज का करेंगे तो विजिबल होगा भी नहीं, और इवन उसके अकॉर्डिंग जो DMC के अकॉर्डिंग है वो फुलफ़िल भी नहीं होगा फाइल। सो उससे अच्छा ये है कि इंपॉर्टेंट सिर्फ आप पेज डालें, उसमें और कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि गजेटेड ऑफिसर कोई भी आपके आस पास में होगा, 10-20 रुपये में कर देगा वो कोई भी, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट कॉपी के बारे में, कि यहाँ पे स्कोर कार्ड डाल सकते हैं या नहीं। स्कोर कार्ड आप डाल सकते हैं अगर DMC एक्सेप्ट कर ले तो। एक्चुअली में होता ये है कि अगर आप स्कोर कार्ड डालते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपको DMC में कॉल करना होगा, या तो फिर आप फिज़िकली वहाँ पे जाएं और उनको बोल सकते हैं कि मेरे को स्कोर कार्ड, मेरे को पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आप बोल सकते हैं मेरे को पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, उस टाइम मुझे नहीं मिला था, तो विंडो को ओपन कर देने के लिए, अगर वो विंडो ओपन कर देते हैं इजीली यू कैन अपलोड योर पासिंग सर्टिफिकेट, फ़ोन में ही अपलोड कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है DMC वालों पे। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इवन इस ईयर भी बहुत सारे लोगों ने अपलोड किया है, तो ये डिपेंड करता है DMC। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आफ्टर DMC रजिस्ट्रेशन कैसे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं लॉगिन करके, वो मैं बताऊंगा, और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है और प्रोविजनल क्या होता है, उस दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।